हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बीकॉम 6th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर। तो अभी तक तो आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं निकला 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का। बट हाँ, अभी से हम लोग एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि आप लोगों का 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम और 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब हो सकता है। इतना ये चीज़ ध्यान रखना कि आप 4th सेमेस्टर के हो या फिर 2nd सेमेस्टर के हो, आपके 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद, जस्ट जैसे ही 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चालू होगा, उसके 10 दिन के बाद आपका 4th का होगा, फिर उसके 10 दिन बाद आपका 2nd सेमेस्टर का होगा। तो इतना तो ध्यान रखना कि भाई 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहले ये बात हो गया किसका, 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का बात। बट इफ आई टॉक अबाउट 6th सेमेस्टर का, सर एग्जामिनेशन डेट क्या होगा, तो अभी के लिए बस इतना प्रिडिक्शन मैं करके जा सकता हूँ कि आपका 25 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा, मतलब या तो एग्ज़ाम आपका एंड से स्टार्ट होके आपको जुलाई के 1st वीक तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड डेट है किसका, 6th सेमेस्टर्स का। तो स्टूडेंट्स, आप जो पैनिक हो रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर ये वो, तो इधर उधर का बात मत सुनो और अपना बस फोकस रखो। एग्ज़ाम आपका जून के एंड में ही होगा, ठीक है। इसके लिए मैं अपने अभी के हिसाब से मैंने लास्ट जो नोटिफिकेशन सीयू का आया है उसके ऊपर मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली है कि जून के एंड में होगा या फिर जुलाई के 1st वीक में होगा। तो उसके हिसाब से आपके पास अभी 1.5 महीना ऑलमोस्ट है, 1.5 महीने से ज़्यादा है। आपको फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्रैश कोर्स कहीं पे भी नहीं पढ़े हो, क्रैश कोर्स आप कहीं ना कहीं ले लो, मेरे से ले लो या फिर कहीं पे भी ले लो, बट क्रैश कोर्स कहीं ना कहीं ले लो, क्योंकि अब लेट करने से भाई बहुत दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपके पास दो ही सब्जेक्ट, मैं मानता हूँ 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए दो ही सब्जेक्ट है, FSA और FM। बट ये FSA और FM ही आप में, यदि किसी में भी एक में यदि ये सप्ली खा गए ना मेरे दोस्त, ये पूरा एक साल बर्बाद कर देगा आपका। फिर अगले साल आप बैठोगे 6th सेमेस्टर में, तो आप चीज़ों को समझो। मैं शुरुआत से बोलते आया हूँ हर एक स्टूडेंट्स को कि भाई 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर को हल्के में मत लेना भाई, क्योंकि वो तुम्हारा 6 महीना एक साल बर्बाद कर देगा पूरा। और किसी सेमेस्टर में यदि आपका कोई सप्ली है तो आप किसी और सेमेस्टर में एग्ज़ाम देके उसको पास कर सकते हो। बट यदि 5th और 6th में है ना मेरे दोस्त, तो आपको मजबूरी होके आपका 6 मंथ आपको बर्बाद करके ही फिर एग्ज़ाम देना होगा। तो आप चीज़ों को समझो। और मैंने अपने डेट आपको बताई थी, एक्सपेक्टेड डेट यही होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका जून के एंड में एग्ज़ाम चालू होगा। इससे ये पता चलता है कि 2nd सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब जुलाई का 10th से लेके 15 के बीच में शुरुआत हो जाएगा अपना 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम, और जुलाई के एंड तक समझ लो आपका 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो अब जिस भी सेमेस्टर्स के हो, आप उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो आई होप आपको ये बहुत चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे आप और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक और अनाउंसमेंट है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा मैराथन लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, रिवीजन मैराथन, चैप्टर वाइज मैराथन, जैसे मैंने 5th सेमेस्टर में लाया था वैसा ही। तो चैनल्स उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि मैराथन कब से आने वाला है। बहुत जल्द हम लोग लेके आ रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।